I personally believe there is one chief minister candidate who is the genuine candidate for chief ministership, and his name is Raj Thackeray. Bilkul, sir. There is nobody else who comes even close. And I could see Mr. Hemant Kamble. I think he's connected. Yes. Let's go straight across to him. Hemant Kamble sahab, namaskar. Namaskar. Namaskar, sir. Apologies for last time. आपसे क्षमा चाहते हैं. पिछली बार क्या हुआ कि वो थोड़ा लंबा चल गया था. We started late. तो शो थोड़ा लंबा चल गया. And we could not take you on time. So my apologies for that. लेकिन Hemant Kamble sahab. And then he will have time. No, obviously, because he has so many appointments. I mean, after all, he's a very senior member of the Maharashtra Nav Nirman Sena. So, sir, ये बताएं कि आज की तारीख में महाराष्ट्र में अब वो 24 दिसंबर की भी डेट चली गई, अब वो भी आगे बढ़ गई, फरवरी में चली गई. भुजबल साहब बोल रहे हैं कि भाई आप 6-7 बंगले मोहन झारंगे पाटिल साहब के आसपास ही बना लीजिए. चीफ सेक्रेटरी भी वहां रहे हैं, बाकी सब लोग भी वहां रहे हैं. हर चीज पे मोहन झारंगे पाटिल साहब की आप एडवाइस ले लें और उनके कहे अनुसार आप सरकार चलाएं. Hemant Kamble साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? नहीं, मोहन ने मनोज झारंगे पाटिल यस, आई एम सो सॉरी जी. तो जिस तरह से सरकार को उन्होंने घेर के रखा है जी, और कहीं ना कहीं मिस्टर छगन भुजबल और झारंगे पाटिल, इनका एक वॉर चल रहा है. मतलब सरकार तो एक साइड में रह गई, तो ये सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होके बात कर रहे हैं छगन भुजबल की, वो समझ में नहीं आ रहा है. क्योंकि वो ओबीसी की बात कर रहे हैं, उनका विरोध है कि मराठा आरक्षण ओबीसी के कोटे से ना दिया जाए, बल्कि उनको अगर देना है तो आप उनको अलग से प्रोविजन करिए, जो कोर्ट में जिसको सपोर्ट मिले या कोर्ट में वो वैसे ही रह जाए, कैंसिल ना हो. अब देखिए, झारंगे पाटिल जी की जो डेट थी 24 जनवरी है, 20 जनवरी को वो आ जाएंगे मुंबई में. अब आने वाले दिनों में क्या क्या होता है, मतलब ये राजनीति कहां तक जाती है पता नहीं है. मेन तो इनका मोटिव है कि भाई मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि सरकार किस तरह से प्रोविजन करने वाली पता नहीं है मुझे अभी. तो ये एक मुद्दा तो बड़ा पेचीदा हो गया है महाराष्ट्र में. लेकिन इस मुद्दे के कारण महाराष्ट्र के मूल मुद्दे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं जी. देखिए, सूखा इतने जिलों में सूखा हो गया कि अगले मत में बताइए, जनवरी अभी ये 4 दिन ही बचे हैं, जनवरी में हमारे यहाँ पर 20 से ज्यादा जिलों में सूखा डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो इन बातों पर सरकार, हमारे डिबेट में पिछली बार भी कहा था मैंने कि हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे, तो सूखे के जो हालात पैदा होंगे वहां पर मराठा भी होंगे, वहां पर ओबीसी भी होंगे, सब जात सब लोग होंगे. करेक्ट. तो हम कहीं ना कहीं ये जब हमारा फोकस हटता है तो मेरे समझ में नहीं आता कि राजनीति अब ये कहां लेके जाने वाले हैं झारंगे पाटिल जी और छगन भुजबल जी और गवर्नमेंट. लेकिन जहां तक पॉलिसी बन रही तो जी, लेकिन जहां तक किसानों का सवाल है, मतलब बोलते तो हैं, जबान से तो सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने किसानों को मुआवजा भी दे दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया, बट कोई मूलभूत तरीके से वास्तविकता में किसानों की जो समस्या है, ड्राउट हो गया, बाकी सब चीजें होंगी, सॉइल फर्टिलिटी हो गई, वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, इसको लेकर के अभी तक कुछ नहीं आ रहा सरकार से. आपको क्या लग रहा है, ये लोग सीरियसली ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? Hemant Kamble साहब, देखिए कैसे है ना कि बारिश का जो मौसम होता है वो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जी. अब इन ये पीरियड में अगर बारिश होती नहीं है, सरकार के पास सरकारी आंकड़े होते हैं, उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है इसको आंकने की. जब आपको पता है कि ये हालात में अगर बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं होती तो ड्रॉट का मतलब ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आपको नवंबर दिसंबर से ही काम करना शुरू करना चाहिए था कि भाई ड्रॉट एरिया में हम लोग क्या क्या हमें प्रोविजंस करनी है जी. लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ऐसी ये राजनीति तो पिछले 2 महीने से तो यही कुछ कुछ मुद्दों पर ही चल रही है कि भाई शिवसेना के सिंधेगढ़ के जो MLAs है वो डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे, फिर मराठा आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है उस पर राजनीति हो रही है. तो आपको महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो किस ओर लेनी है या किस ओर लेके जानी है वो सरकार को पता होना चाहिए. सरकार की जो पैरेलल सिस्टम्स है, उनके पास जो सिस्टम है, वो सिस्टम ने इस क्या प्रोविजन करता है वो पता नहीं है अभी. काम इसके लिए सीरियसली सोचना पड़ेगा जी.
हेमंत जी, जब भुजबल साहब आलोचना कर रहे थे और मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि चार पांच बंगले जरांगे पाट बनो जरांगे पाटिल जी के स्थान के बगल में बांध दिए तो ताकि हमारे मंत्री उसको हर मुद्दे पर सलाह मशवरा करे, उनसे हर मुद्दे पर उनसे चर्चा करके, और उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी का भी एक बंगलो उधर बांधो मनोज जरांगे पाटिल जहां धरने पे बैठे हैं जहां भी बैठे हो, ताकि सरकार के हर निर्णय में जरांगे पाटिल एडवाइस कर सके। तो एक मजाक में बोला था बट हालात क्या यही है? बिकॉज रोज हम लोग टेलीविजन वही देख रहे हैं कि तीन चार मंत्री उनके साथ बैठे हैं, उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं किसको कैसे ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट में कैसा होना चाहिए, ये क्लॉज कैसे इंसर्ट करना चाहिए। क्या ये भुजबल साहब इनडायरेक्टली सरकार का स्थिति या हाल बेहाल लोगों के सामने पेश किया है? हेमंत जी नहीं, कैसे ना प्रदीप जी, कि ये व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जरांगे पाटिल उनसे मैनेज नहीं हो रहे, कि अब तक के जो अब तक का इतिहास है कि भाई अन्ना हजारे जब अनशन में बैठे थे कोई ना कोई एक वहां पर जाता था एक देवता बन के सरकार बचाने के लिए, और अन्ना जी को उनसे कुछ मनवाता था, उनसे कुछ पॉइंट्स पर उनसे सहमति करके ये उनका उपोषण हमेशा कॉल्ड अप होता था। यहाँ पर भी कुछ उपोषण होता है या जहां पर भी ऐसे हालात होते तो कहीं ना कहीं मसीहा बन के कोई जाता था, लेकिन जरांगे पाटिल सुनने के लिए अगर राजी नहीं है और उनके जो कंडीशंस है वही पर वो अड़े पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भुजबल और उनकी सरकार, ये मुझे असहाय दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं वेंगा तक तरीके से कहा था भाई इनके पास ही चार पांच बंगले का दो, वहां पर ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिठा दो, वहां पर दो मंत्री बिठा दो, फिर वो जो नए नए हर दिन नए अपडेट रहेंगे उनकी नई मांग रहेगी उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो व्यंगात्मक तरीके से उन्होंने कहा था, लेकिन जहां तक भुजबल साहब खुद मूवमेंट से आए हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी का मास लीडर हूं, तो जो अपनी कौम के लिए लड़ता है तो उसकी तरफ इस तरह से व्यंग कसना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार की कमजोरी का लक्षण दिखाई दे रहा है। आपके पास इतनी बड़ी सिस्टम है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, खुद फडणवीस साहब है, एकनाथ शिंदे जी खुद मराठा लॉबी के हैं, भुजबल साहब ओबीसी के लीडर हैं, और बहुत सारे अजीत पवार खुद मराठा लॉबी के, तो मराठा लॉबी तो बहुत तगड़ी है महाराष्ट्र में, जितने भी 288 और बाकी फिर एमएलए देखिए उसमें कितने मराठा लॉबी है, तो इस पर सोल्यूशन तो निकलना चाहिए था। लेकिन एक बात के ऊपर इतने दिनों तक अगर महाराष्ट्र की राजनीति कहीं ना कहीं अंडरा मंडरा रही है तो कहीं मुझे लगता है कि जो अन्य मुद्दे हैं जो ज्यादा महत्व रखते हैं उनको हम कहीं ना कहीं साइडलाइन कर रहे हैं, या तो फिर जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। मुझे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो सूखा पड़ेगा जहां पर ड्रॉट एरिया है वहां पर के किसान हो, वहां पर के मवेशी हो, उनकी जो हालात होंगे, और फिर जो अनाज की जो कमी होगी आने वाले दिनों में, तो उसके बारे में सरकार ने ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका एक शिष्टमंडल हो या आपका एक जो भी आप उसको एक वर्किंग कमेटी हो उसको आप जरांगे पाटिल जी से निगोशिएट करने के लिए लगा दीजिए, लेकिन बाकी सिस्टम को तो लगा दीजिए, क्योंकि हमें जब दिखता है जो भी हेडलाइन दिखती है वो जरांगे पाटिल और मराठा आरक्षण दिखते हैं, बाकी आप मुद्दों पर बजाज साहब कह रहे थे कि राज ठाकरे साहब इज फिट टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर, बिकॉज जो संघर्ष आप लोग जब मैदान में उतरते हो, जैसे यवतमाल में कॉटन फार्मर्स, जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज रिफ्यूजिंग टू बाय द कॉटन ऑफ द लोकल फार्मर्स, कॉटन फार्मर्स ये कह रहे कि मॉइस्चर है कॉटन में और हम लोग कम दाम में खरीदेंगे, दैट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर द फार्मर्स। मनसे के आपके लीडर्स वापस उतर गए, हंगामा कर दिया, मनसे के आंदोलन स्टाइल में आपने कार्यक्रम कर दिया, पूरे जितने फार्मर्स है यवतमाल के वही कॉटन एट द राइट प्राइस बेच पाए। तो जैसे कह रहे कि जब तक आप संघर्ष मैदान में उतरेंगे नहीं, आपको मैदान में हर फील्ड में उतरना पड़ेगा, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो रोड की समस्या, टोल टैक्स में, यवतमाल पूरे महाराष्ट्र देखा कि आपके संघर्ष ने कॉटन फार्मर्स को राइट प्राइस कैसे दिलाया। हाउ डू यू सी दैट? देखिए ना, अभी आपने जितने भी हमारी उपलब्धियां आपने गिनाई कि भाई जब पानी का प्रॉब्लम हो तो मन से उतरती है, टोल का प्रॉब्लम मन से उतरती है, कॉटन का प्रॉब्लम मन से उतरती है, सोयाबीन को रेट नहीं मिलता है मन से उतरती है, प्याज जब महंगा होता है या प्याज को जब दाम नहीं मिलते मन से उतरती है, प्याज का एक्सपोर्ट आपने बंद कर दिया मन से उतरती है,
आपने जितनी उपलब्धियां गिनाई तो हम जहां पर है कि अपोजिशन एक मतलब वहां पर हमारा अपोजिशन लीडर में कोई एक ही एमएलए है राजू पाटिल, लेकिन अपोजिशन लीडर की जो भूमिका होती है रास्ते पर उतरना, उसका विरोध करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना, ये जो भूमिका हम बखूबी निभा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो बाकी जो पार्टियां इनकी तो मिली जुली सरकार चलती है, फिर वो कांग्रेस की कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी की दो पार्टी, एक तो अजीत पवार उधर जाके बैठे, फिर यहाँ पर रोहित पवार उसका विरोध करते हैं, यहाँ पर एक शिंदे की एकनाथ शिंदे की सरकार में जाके बैठी है शिवसेना और यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना विरोध करती है, तो कहीं ना कहीं इनके इनकी राजनीति तो समझ के बाहर है, इनकी राजनीति समझ के बाहर है, तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत तो मिलनी चाहिए लोगों के प्रॉब्लम्स के लिए, उनकी जितने भी बुनियादी जरूरत है उनके लिए बोलने वाली एक तो पार्टी चले, वो जो भूमिका हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। और हेमंत गांधी साहब अभी एक नया क्राइसिस आ गया है, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट और आई एम श्योर कुछ प्लान वगैरह कर रहे होंगे आप। सर 6 महीने से जो एडेड कॉलेजेस हैं उनके टेम्प्ररी लेक्चरर्स को पैसे नहीं मिले हैं, उनको सैलरी नहीं मिली है, दीज आर गवर्नमेंट फिगर्स, देव जस्ट कम फॉर 6 मंथ्स। वो जो बजटरी एलोकेशन होती थी एडेड कॉलेजेस के लिए जो टेम्प्ररी लेक्चरर्स हैं, दे हैव नॉट गॉट देयर सैलरी फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने से। नहीं राजीव जी, कैसे है ना कि एक बात बताऊं आपको, कभी आपके मार्ड के डॉक्टर्स स्ट्राइक पर जाते हैं जी, अब ये प्रोफेसर स्ट्राइक पर जा रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं कि ये सरकार के जो कर्जा है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको गिनाया था कि 7 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा पहुंच गया है, जो कि ये कर्जा था 2,95,000 crores इन 2014 इन लास्ट 9 years राइट 2014-2023। तो ये कर्जा करीबन देखिए आप कितना बढ़ गया है, 3 गुना कर्जा बढ़ गया है, 3 गुना। तो ये सरकार जो यहाँ पर प्रोजेक्ट दिखाती है आपको, अर्बन एरिया में जो प्रोजेक्ट है, आप मेट्रो लेके आते हो, आप रोड्स बनाते हो, समृद्धि महामार्ग बनाते हो, सब कुछ, लेकिन आपको रेवेन्यू जनरेशन कहां पर से होती है, किसानों से होती है। रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा से ज्यादा कहां से मिलेगी आपको, ये सरकार चलानी है, ये आपका प्लानिंग क्या है, आपके पास कौन से ऐसे प्लानिंग है जो इस बाहर से आप जाते हो डाओस में बहुत बड़े प्रोजेक्ट के आप कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो, 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट लेके आएंगे, कहां लगे पता नहीं, बेरोजगारी यहां पर बढ़ रही है, इनको पता नहीं है, यहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पुलिस की भर्ती कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तहसीलदार लेके आ रहे हो, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, आप मंत्री कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेके आ रहे हो, आपके पास जितने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, आपके एमएलए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ये इलेक्शन लड़ो आप इधर, बाद में आप जाओ, आप एकनाथ शिंदे के लेके आ रहे हो तोड़कर, चलो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, आप राष्ट्रवादी के लेके कॉन्ट्रैक्ट, तो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चल रहा है, तो आपको दूसरा क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या देखोगे आप, क्या सुनोगे? हेमंत जी, यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी ने बोला था, शिंदे साहब ने बोला था कि बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था एक आर्टिकल 370-35 अब्रोगेशन और राम मंदिर बनाने का, बाला साहब ने कहा था कि अगर मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे मैं दोनों चीज पूरा कर दूंगा, और एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि ये सपना बाला साहब ठाकरे जी का नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है, मगर अभी आदित्य ठाकरे जी का कहना है कि द बीजेपी और मिस्टर मोदी हैज फॉरगॉटन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बाला साहब ठाकरे, दे हैव फॉरगॉटन द कंट्रीब्यूशन ऑफ लालकृष्ण आडवाणी एंड मुरली मनोहर जोशी। तो आदित्य ठाकरे का इस रिमार्क को आप कैसे देखते हो, हैव द बीजेपी फॉरगॉटन बाला साहब ठाकरे सर हिज कंट्रीब्यूशन? हेमंत जी देखिए ना कैसे ना कि बाला साहब का कंट्रीब्यूशन हो, लालकृष्ण आडवाणी जी का हो या फिर मुरली मनोहर जोशी, उनका कंट्रीब्यूशन बुलाया नहीं जा सकता। चलिए मैं तो कहता हूं कि राम मंदिर बन गया अभी 24 को उसका जो शिलान्यास जो भी है उसका उद्घाटन होगा या खुला होगा भक्तों के लिए, फिर 22 जाएंगे मथुरा की तरफ 22 जनवरी से, यस हाँ 22 जनवरी जो भी हम लोग जाएंगे अभी उसकी तरफ, ये होने के बाद सब प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व होने वाले हैं, भारत खुशहाल होने वाला है। देखिए आदित्य ठाकरे को जो एज अ अपोजिशन में जाके उनको जो तंज कसने, यही आदित्य ठाकरे अगर बीजेपी के साथ होते तो शायद वो अलग बात करते जी, अब वो विरोध में है तो अलग बात करते हैं। तो इनकी तो राजनीति जैसे चलती है कि भाई जहां पर आप हो, आप विरोध में हो तो विरोध की बात करो, वहां पर जाके बैठे तो शायद उनके साथ बात करते। मुझे इस बात पे एक ही है कि भाई मुरली मनोहर जोशी और इनको अगर नहीं बुलाते हैं वहां पर, तो
भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। आप मनोहर पर्रिकर और गिरीश बापट को मतलब ऑक्सीजन लगाए हुए हमने देखा है, वो वोटिंग के लिए आते थे जी। अब क्या मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को व्हीलचेयर पर वहां पर उद्घाटन के समय पर लेके नहीं आ सकते थे जी? दुरुस्त बात, सही बात है। आप लेके आ सकते थे ना उनको जी। उनका कंट्रीब्यूशन कौन भूल सकता है जी। उनकी रथ यात्रा कौन भूल सकता है, जिस रथ यात्रा से पूरे भारत की राजनीति हिल गई और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी मिल गई और वो सत्ता की तरफ पौड़ गई। सर दो सीट से 303 पर आ गए। हाँ तो वही कहता हूं मैं कि भाई 2084 को दो सीट, 2000 मतलब 1984 टू सीट्स, 1989, 85, 86 सीट्स, ओके। फिर 96 में, 97 में आप आ गए कोलिशन गवर्नमेंट में, 114, 115 सीट्स, यस ऑफ कोर्स। तो जिनका कंट्रीब्यूशन है, आप अटल जी तो नहीं रहे जी, लेकिन लाल कृष्ण जी और मुरली मनोहर जोशी, आपको अगर मनोहर पर्रिकर और गिरीश बापट को आप लेके आ सकते हो, तो फिर लालकृष्ण अडवाणी और इनकी क्या आपको एनर्जी है क्या? ये तो सवाल बीजेपी को इनका जवाब देना पड़ेगा, और शायद लेके भी आएंगे, पता नहीं अब तक उनका उनके इन्विटेशन कार्ड पहुंचे नहीं होंगे, लेके भी आएंगे जी। हो सकता हेमंत जी, यू नो शर्मिला ठाकरे जी जिस प्रकार से फ्रैंकली बात किया, लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने बहुत सराहा, दे लव्ड इट द वे शी टॉक्ड ऑन धारावी प्रोजेक्ट, कि भले उद्धव ठाकरे जी का बहुत विशाल रैली था, मतलब टाइमिंग इतना डिले कर दिया था कि लोग प्रश्न चिन्ह करेंगे। फिर रिजर्वेशन पे शर्मिला जी ने बहुत सारी बातें की कि द पीपल हु आर टेलिंग इट शुड बी डन कुड हैव डन इट अर्लियर आल्सो, सत्य। तो ऑल दीस थिंग्स आर, जैसे शर्मिला जी ने जो अपना विरार, वसाई विरार के वाटर प्रॉब्लम में आगे बढ़कर पूरे कंट्रोल ले लिया और मोर्चे में बोले कि मैं खुद जेल जाने को तैयार हूं, तो ये एक जबरदस्त तरीके से पॉलिटिक्स में एंट्री दिख रहा है। हाउ डू यू सी दैट हेमंत जी? नहीं नहीं, कैसे, एक बात बोलता हूं कि शर्मिला जो, शर्मिला वहिनी जो है, उनको हम शर्मिला वहिनी बोलते हैं, तो उनका कोई पॉलिटिकल उनका एनवायरमेंट होता नहीं है, वो पॉलिटिकल कभी उनका से होता नहीं है। लेकिन जो एक स्पॉन्टेनियस उनको पूछा गया, तब मिस्टर आदित्य ठाकरे के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने स्पॉन्टेनियसली बोल दिया था कि मुझे नहीं लगता कि आदित्य का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, उन्होंने बोल दिया था, ओके। और उन्होंने आगे का जो सेंटेंस बोला था कि भाई हम भी इस तरह की इंक्वायरीज में से निकल गए, अगर वो नहीं है दोषी तो वो भी निकल जाएंगे। और दूसरी बात, तो जो अदानी प्रोजेक्ट की बात है या जो भी आगे जाके जो कंट्रीब्यूशन हुए, तो मैं तो कहता हूं ना कि शिवसेना जिस तरह से अभी भी एक मोर्चा निकाला उन्होंने धारावी के लिए, अब देखिए ना, मातोश्री से धारावी शायद आपके और मातोश्री और धारावी डिस्टेंस उतना ही होगा, आप जहां पर वीकेसी में बैठते हो जी, वो डिस्टेंस इतना ही होगा, मतलब उससे कम। उद्धव जी अगर वहां से भी अगर पुकारते ना धारावी वालों को अपने घर से, तो भी धारावी वाले पहुंच जाते कलानगर पे जी, इतना नजदीक है। अब वो 2.5 साल वहां के सीएम थे, तो धारावी के लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं डिसाइड हुई? धारावी का प्रोजेक्ट क्या है, डेवलपमेंट प्लान क्या है? देखिए 590 एकड़ की लैंड है धारावी, 590 एकड़। अब इसके आप देखिए कि उसको स्पेशल जो उन्होंने सैंक्शन किया है, स्पेशल प्रोजेक्ट प्लान, वहां पर कितना एफएसआई होगा? और ये धारावी जो है इन द हार्ट ऑफ मुंबई, जहां से आप साउथ मुंबई जा सकते हो, वेस्टर्न मुंबई आ सकते हो, वेस्टर्न सबब में आ सकते हो और ईस्टर्न सबब में भी जा सकते हो। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहां के जो, इस प्रोजेक्ट के लिए आपने टेंडरिंग क्यों नहीं की? तो राज साहब का सवाल यही था भाई, अकेले अदानी ही पूरे इलेक्ट्रिसिटी भी करेंगे वो, फिर वो जितने भी पोर्ट्स है वो भी उनके पास, एयरपोर्ट्स भी उनके पास, बिल्डिंग भी वही बनाएंगे, तो ऐसी उनकी खासियत क्या है? बाकी भी प्रोजेक्ट, ये टाटा है, डोंट फॉरगेट अबाउट कोल, कोल भी उनके पास जी, बहुत सारे सोल कंसेशनर, सोल लाइसेंसी ऑफ इंपोर्टिंग कोल इज मिस्टर अडानी। तो हमारा सवाल यही था। अब देखिए ना कि शिवसेना ने तो मोर्चा खोला, लेकिन 10 महीने के बाद, जब ये डिक्लेयर होने के बाद 10 महीने के बाद आपने मोर्चा खोला, उसके बाद तो शिवसेना चुप, आगे क्या हुआ? यही शिवसेना जब पत्राचाल का नाम वहां पर आया था मिस्टर संजय राउत का, उस पत्राचाल की डेवलपमेंट आप अदानी के पास जा रही है, आप उसके लिए क्यों मोर्चा खोला आपने? इसके लिए क्यों सवाल उठाए आपने जी? सवाल तो पूछेंगे ना हम, तो विरोध में बैठे हम पूछेंगे सवाल, आपको सवाल ठीक तरह से देने पड़ेंगे उसके,
क्योंकि आप सत्ता में जितने भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, ये सब कभी ना कभी सत्ता में गए, कभी सत्ता में है, कभी सत्ता में थे, विरोध में थे। इन सभी पार्टियों ने कभी ना कभी महाराष्ट्र पे राज किया है, राज कर रहे हैं। एक एक ही पार्टी है ऐसे कि भाई हमने राज नहीं किया, लेकिन हम ये सवाल तो पूछते रहेंगे इनको, फिर वो चुभेंगे तो भी पूछेंगे, इनको अच्छे लगे तो भी पूछेंगे, अच्छा काम करोगे तो हम लोग आपकी सराहना करेंगे। सो यू नो द शिवसेना वेरी क्लोजली, हेमंत कांबळे सर, मोर्चे के बाद क्या जो आपने सवाल पूछा, अब ये धारावी में जो मोर्चा हुआ उसके बाद आगे क्या? वही तो सवाल है कि 590 करोड़ की वहां पर जो एकड़, 590 एकड़ की लैंड है जी, अब इतना बड़ा, ये जहां तक मुझे मेरी एक इंफॉर्मेशन है कि यहां पर पहले इसके 5 स्लॉट बनाए गए थे या 5 फेज बनाए गए थे और उसका टेंडरिंग हुआ था, 5 अलग अलग कंपनियों को ये दिया गया था, लेकिन इसको स्क्रैप करने के बाद आज पूरा 590 एकड़। अब देखिए राजीव जी, आप वाकिफ है इस मुंबई से कि भाई 500 टेनेंट का कोई प्रोजेक्ट है, उसको बनाने में कम से कम बिल्डर को 10 साल लगते हैं जी। हम 590 एकड़ के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और अदानी का ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है कि वो 590 एकड़ की जो डेवलपमेंट है कितने फास्ट करने वाले, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है? दुरुस्त बात, इकबाल सिंह चहल जो अभी बीएमसी कमिश्नर है वो सीईओ थे उस धारावी प्रोजेक्ट के जी। इट वॉज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, वेरी वेल प्लान्ड। 5 के करीब इंटरनेशनल कंपनीज थी, रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, टेंडर भरे गए थे, and that was a very good plan. Why do you think it was scrapped? Hemant Kambli sir, ये देखिए ना कैसे है ना, जिसका डंडा उसकी भैंस, ये हमारे भारतीय राजनीति का पहला गुणसूत्र है, जिसका डंडा उसकी भैंस। अब देखो मालिक बिगड़ गया, मालिक मालिक बदल गया तो उसने तो अपना डंडा लाया, भाई भैंस तो वहीं पर है, निचोड़ निचोड़ कर दूध निकालेंगे। मैंने आपको कहा ना कि धारावी ऐसा पॉकेट है जो सेंट्रल मुंबई को, साउथ मुंबई को भी कनेक्ट करेगा, यहाँ पर वेस्टर्न सबब को भी कनेक्ट करेगा और ईस्टर्न सबब को भी, तो वो हार्ट का पॉकेट है, तो इसकी नजर तो गड़ाए हुए है यहाँ पर। लेकिन सिर्फ अदानी को ये हमारा स्पेशल है, डेवलपमेंट को हमारा विरोध नहीं है। वहां के बहुत सारे, देखो वहां पर जो जो हस्तकला है, जो है जी, जैसे चमड़े के जो चीजें बनती है, जो बैग्स बनते हैं, बेल्ट्स बनते हैं, या वहां पर कुमार एक ये बनाते हैं, मटके बनाती है, बहुत सारी है कम्युनिटीज, आप उसको कैसे प्रिजर्व करने वाले हो? दिस इज द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मुंबई, ये सब प्लान में आपकी क्या है? आपने एक बहुमंजिले इमारतें बनी तो इसका डेवलपमेंट हो गया। हम देख रहे हैं कि भाई जिस तरह से इस तरह की बिल्डिंग बनती है तो आपने वर्टिकल स्लम खड़ा कर देते हो, आप वर्टिकल स्लम बोलता हूं मैं, एसआरए के जितने बिल्डिंग से वर्टिकल स्लम बना दिए। आप पीछे मुड़कर देखते नहीं हो कि किस तरह के घर बने, किस तरह से मेंटेन हो रहे, आप कभी आपके टीम पे भेजिए, एंड दे आर इवन मोर ऑफुल देन द ओरिजिनल स्लम्स दे वर मेंट टू रिप्लेस। और जो ट्रेन ट्रेन्स के बगल में होता है, वो ट्रेन आते जाते तो पूरा बिल्डिंग हिल जाता है, द पीपल आर गेटिंग स्केयर्ड सिटिंग इन द स्टेइंग इन द बिल्डिंग। राजू जी आपकी टीम कभी भेज दीजिए, मैं आपको 2-4 ऐसे एग्जांपल्स देता हूं कि भाई जो एसआरए के सीईओ है वो भी देखे कि किस तरह के डेवलपर आप यहां पर अपॉइंट करते हो, या जिस तरह के डेवलपर को आप परमिशन देते हो बिल्डिंग बनाने की, उनकी क्वालिटी चेक करिए जरा, किस तरह से बिल्डिंग बनाते हैं ये। तो आपको अगर अपलिफ्ट करनी है उस स्लम के लोगों को, तो सिर्फ उनको वर्टिकल स्लम में मत भेजिए, आप देखिए कि सच में उनकी जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से आपको करनी है, उसके लिए ठीक तरह से सोचना पड़ेगा, ताकि ये सिर्फ वर्टिकल स्लम्स आपको खड़े करने जी, और धारावी भी आपको वर्टिकल स्लम्स ही खड़े करने, तो मुझे लगता है ये तो दुर्भाग्यवश होगा। सरकार के पास एक नजरिया होना चाहिए डेवलपमेंट का, जो हमने आपको डेवलपमेंट प्लान हमारा जो था महाराष्ट्र नवनिर्माण का दे दिया था हमने, आप फॉलो करिए, गवर्नमेंट ने आपने फॉलो करना चाहिए, सब पॉलिसीज है हमारे उसमें। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह हुई है कि मतलब ऑल द सिटी बिल्डर्स बाय द वे आर नाउ मैंडेटेड बाय अ गवर्नमेंट रूलिंग बाय अ जीआर
to buy 40% of all their TDR from Mr. Adani. कितने अदानी सरकार अदानी है कि मोदानी है समझ में नहीं आता है. मतलब किसी पर्टिकुलर एक फर्म को या पर्टिकुलर कंपनीज को या पर्टिकुलर इंसान को आप कितना अपर हैंड देने वाले हर चीज के लिए, कहीं ना कहीं एक लिमिट होनी चाहिए. हर चीज में वो स्पेशलिस्ट है क्या आपको? ये मैं तो धारावी प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली बात करूंगा कि भाई यहाँ पर तो टेंडरिंग होना चाहिए था. आप दो या तीन चार डेवलपर्स को अपॉइंट करिए, उसके स्लैब करिए, फेज वाइज करिए, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, क्योंकि 5 से 90 करोड़ की बात है साहब. आबादी करीबन वहां की कम से कम होगी 3 से 4 लाख या ज्यादा भी हो सकती है, 5 लाख के ऊपर हो सकती है, क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड ऐसा वो स्लम है. आपको आप मेरे राजू जी आप मेरे से अच्छी तरह जानते हो जी. आप इस फील्ड में करीबन नहीं होता 30 से 35 साल से हो आप, 40 साल हो गए, 40 इयर्स, 40 साल से आप कितनी बार आपने वहां के न्यूज कवर की होगी, वहां पर स्टोरीज की होगी, कवर स्टोरी की होगी. तो इस बात को गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा और जिस तरह से डेवलपमेंट के प्लान वो लेके आ रही है उसको फिर से रिवाइव करना पड़ेगा. तानाजी सावंत, हेल्थ फैसिलिटीज, छोटे छोटे डिस्पेंसरीज नॉट इन ऑर्डर, मन से बार बार प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, पूरे कोंकण में भी प्रोटेस्ट किया, मगर अभी पंडेरपुर में भी यही पर होगा कि नगर पालिका ढंग से फैसिलिटीज, ना रोड है, ना बेसिक फैसिलिटीज है, ना हेल्थ फैसिलिटी है, उसके ऊपर लोकल टैक्स बढ़ा दिया है लोगों पे, मन से ने आंदोलन कर दिया, यू केम आउट ऑन द स्ट्रीट, तानाजी सावंत इंटरफेयर्ड, सीएम एकनाथ शिंदे इंटरफेयर्ड, सीएम ने वो टैक्स को वापस ले लिया, उन्होंने स्टे कर दिया, बोले नो राइज इन टैक्स टिल यू इंप्रूव द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हर जगह देख रहे हैं हम, पंडेरपुर देख रहे हैं, यवतमाल देख रहे हैं, हर जगह मन से आंदोलन पर उतरता तो क्विक रिलीफ मिलता है, बट वाई इज द बेसिक एमिनिटीज क्यों नहीं हो रहा ठीक? हेमंत जी वाई पूरे हर जिले में यही तकलीफ है, हर काउंसिल में यही तकलीफ है? प्रदीप जी मेरे एक सवाल का जवाब देंगी, सरकार से बोल रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ. भाई थाना में जो लोग जो मर गए थे बीच में जो हादसा हुआ था और उसके बाद नांदेड़ में हुआ था, उसकी इंक्वायरी हुई, उसके रिपोर्ट क्या है ये जरा डिक्लेयर करें गवर्नमेंट. इसके रीजन क्या थे इसके बारे में किसी ने सवाल नहीं पूछा, ना तो अभी जो अधिशन उसमें किसी ने सवाल पूछा, अपोजिशन ने इस टॉपिक पे बात ही नहीं की. आपके बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, बुनियादी जरूरतें क्या होती है, हेल्थ, पानी, रोड्स, शिक्षा, इन बातों पर आप बात ही नहीं करते, इन पर आप सवाल ही नहीं पूछते. आप वहां पर झगड़ते बैठते हो दूसरे मुद्दे पर. तो इतने करोड़ों रुपए की लागत से हमारे अधिवेशन होते हैं, अधिवेशन में जो मुद्दों पर चर्चा होनी वो चर्चा होती नहीं होगी. अब मुझे बताइए कि ये हेल्थ के प्रॉब्लम इतने हैं तो ये दो घटनाओं के रिपोर्ट क्या हुआ, इसकी इंक्वायरी हुई थी ना, एसआईटी बैठी थी वहां पर जी, क्या रिपोर्ट क्या आया उसका? स्टिल नॉट रिवील्ड, ना तो इसके बारे में किसी ने जिक्र किया फिर से, ना किसी न्यूज चैनल पे है, ना तो किसी न्यूज पेपर में आया. हम लोग कर रहे हैं, क्या हुए हम लोग कर रहे हैं, हर रोज पूछ रहे हैं, हर दूसरे जी, वो सवाल आपको पूछने चाहिए, आपने भी पूछने, हमने भी करने हैं और हम तो करेंगे ही. तो ये रिपोर्ट का क्या हुआ? और मेरा ये कहना है हेमंत कांबे साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, छोटा सा सवाल है, सॉरी आपको रोक रहा हूँ. नांदेड़ का जो हॉस्पिटल है वो शंकर राव जी के नाम पे, शंकर राव चौहान हॉस्पिटल है, जहां पर वो ट्रेजेडी हुई, अशोक चौहान साहब वहां के प्रतिनिधि हैं, अशोक चौहान साहब ने भी नहीं पूछा कि अस्पताल में क्या हुआ, बताइए तो सही, और अभी क्या जो फैसिलिटीज वहां पर थी क्या उनमें इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, ये भी किसी को मालूम नहीं है. राजीव जी अभी अशोक चौहान साहब उसके इंक्वायरी की बात कैसे करेंगे जब उनकी इंक्वायरी चलती होगी, वही कहीं जाती हो, उनकी बात चल रही है कि भाई ये कभी जा सकते हैं, या कांग्रेस में जो फूट हो सकती है उसमें अशोक चौहान भी शामिल हो सकता है, उनका भी नाम आ सकता है, ऐसी बातें तो चलती है राजनीतिक गलियारों में, आपको भी पता है पहले चल रही थी. ये हमारे आदरणीय सामान्य अजीत दादा पवार साहब के इस तरफ आने के पहले ये खबर आ रही थी कि अशोक चौहान साहब आ रहे हैं कांग्रेस का कुछ गुट गट लेकर के इस तरफ जी जी. तो राजनीतिक गलियारों के बीच में कुछ पर्दे के पीछे भी कुछ चलता होगा तो कौन सवाल पूछेगा. अब ये बात है ना कि भाई विरोध विरोधी में जितने बैठे हैं ना तो उनके सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है गवर्नमेंट को, कि कहीं ना कहीं ईडी दिखती है,
कहीं इनकम टैक्स दिखती है, तो मुझे लगता है ये तो सवाल पूछ ही नहीं पाएंगे उनको. बट इजंट इट सैड, आई मीन इट्स अ मैटर फॉर मी, इट्स अ मैटर नॉट जस्ट ऑफ बीइंग सैड, इट्स अ मैटर टू गेट एंग्री. सर वी आर इन 2023, 2024 लगने वाला है, 21st सेंचुरी. हॉस्पिटल्स के अंदर ड्रग्स नहीं है, सीटी स्कैन मशीन नहीं है, एमआरआई स्कैन की मशीन नहीं है. चलिए बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, हेमंत कामले साहब, नांदेड़ के हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन भी काम नहीं कर रही थी. इवन द एक्सरे मशीन वॉज नॉट देयर. कामले साहब ये क्या है, व्हाट आर वी डूइंग? देखिए अभी बातें इतनी है कि आज मुंबई, आप तो नांदेड़ की बात कर रहे हैं, आज मुंबई में बोरीली का भगवती हॉस्पिटल है जी, सालों साल इसका काम शुरू हो रहा है, काम चल रहा है, लेकिन आप जो आईसीयू की बात करते हैं तो आईसीयू नहीं, ये भगवती हॉस्पिटल ही वेंटिलेटर पर है. मुंबई जो सिटी है, इंटरनेशनल सिटी है, जिस कॉरपोरेशन की बजट 52,000 करोड़ है, उसके ज्यूरिडिक्शन में आने वाला एक जो भगवती हॉस्पिटल है, वहां पर आप फैसिलिटी लोगों को दे नहीं पाते हो. मुंबई के वेस्टर्न सबब में कोई भी पेशेंट अगर सीरियस होता है, कोई ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उसे KMJJ कस्तूरबा या नायर में जाना पड़ता है. इससे बड़े ये क्या हो सकती है, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है? आप नांदेड़ की बात करो, यहाँ से करीबन 700-800 किलोमीटर की बात कर रहे हो. मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, हम जहां पर बैठे हो, आप मेरे यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर और आपके यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ही जी. यहाँ पर लोगों के जो हमारे सत्ता में बैठे लोग हैं, इनका कहीं पर ध्यान नहीं है. लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उनके प्रॉब्लम्स क्या है, जिनके समझ भी नहीं है, इस पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना उनका कोई प्लानिंग है. हर दिन जाकर उनको दो पंच एक लंच जो करते हैं ना वर्कर्स, दो पंच और एक लंच, वैसे ही हमारे MLA जाते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं और आते हैं. अब कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के लिए कौन से MLA और कौन से मंत्री बात करते हैं, बताइए मुझे. ये फंड्स के लिए लड़ते रहते हैं कि अजीत दादा ने इतने फंड्स दिए, अविनाश शिंदे ने इतने फंड्स दिए. अरे फंड्स देते तो लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे, फैसिलिटी दिखती क्यों नहीं है? आप ब्यूटिफिकेशन के लिए 1,000 करोड़ दे रहे हो, 1,00,000 करोड़ दे रहे हो, ये पैसे जाते कहाँ पे? रोड्स तो वैसे के वैसे हैं, देखिए आप कितने एक्सीडेंट होते हैं. ना हेमंत जी, आदित्य ठाकरे जी रोज एलिगेशन कर रहे हैं करप्शन का, कि एकनाथ शिंदे जी का रोड स्कैम 6,800 करोड़ का घपला है, स्ट्रीट फर्नीचर 200 करोड़ का घपला है, मैंने लोक आयुक्त को भी इन्फॉर्म कर दिया, कुछ इंक्वायरी नहीं हो रहा है, डिले, CM एकनाथ शिंदे जी को कोई फुर्सत नहीं है कि ट्रांस हार्बर लिंक रोड इनॉग्रेशन के लिए तैयार है, दीघा का वो मेन लाइन चालू होगा, उरन का मेन लाइन चालू हो गया है, उसका इनॉग्रेशन नहीं हो रहा है. और एकनाथ शिंदे जी आरोप लग रहा है कि कॉफिन और किचड़ी घोटाला, जो कॉफिन और किचड़ी बॉडी बैग्स और किचड़ी घोटाला वाले रोमिल चड्डा अंदर है, जो शायद हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी था उसको 57 कॉन्ट्रैक्ट्स. तो कैसे आप देखते हो आरोप प्रति आरोप, रोज हम लोग यही देख रहे हैं कि आपने 1,000 करोड़ खाया, आपने 1,000 करोड़ खाया, इसका क्या आप अर्थ निकालते हो? नहीं, मैंने पहले ही बोल चुका हूं मैं कि भाई ये पार्टियां अदली बदली होकर पावर में जाते हैं, कभी अपोजिशन में आते हैं. जब पावर में थे आदित्य ठाकरे कॉरपोरेशन में या स्टेट गवर्नमेंट में, तो कोविड के वक्त उन्होंने जो कॉफिन घोटाला किया तो मन से नहीं उजागर किया था कॉफिन घोटाला, हमारे संदीप देशपांडे उन्होंने उजागर किया था. खिचड़ी घोटाला हो, आपका कॉफिन घोटाला हो, या नेस्को के जैसे कोविड के कोविड सेंटर में एक फैन 1,500 का फैन दिन में 500 रुपया उसका रेंट जाता था, 1.5 साल ऐसे ही चला. आपके मैट्रेस रेंट पर थे, बेड्स रेंट पर थे, जबकि अगर आप परचेस करते तो भी उसको कुछ ये नहीं होता था. लेकिन इतने सारे स्कैम हुए तो आदित्य ठाकरे को पता है कि भाई ये करप्शन कहां पर होता है, किस तरह से बिलिंग होती है. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता दिया ना कि भाई 15 करोड़ का 1 किलोमीटर के रोड का खर्चा 15 करोड़ रुपया, और आदित्य ठाकरे बोलते हैं कि भाई ये रोड हम 10 करोड़ में बना देते, जबकि वो रोड 3 या 4 करोड़ में बनते. तो आदित्य ठाकरे का सवाल यही था कि मेरे करप्शन से आप सर आपका करप्शन कैसे बढ़ा है. एक एड आती थी पता है ना कि मेरी कमीज से तुम्हारी कमीज कैसे सफेद, उसकी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे. हाँ, तो उसी तरह से कि भाई मेरे करप्शन से तुम्हारा करप्शन बढ़ा कैसे हो गया. तो इसके लिए ये एक दूसरे को ऐसे
ताने मारते रहेंगे, आरोप करते रहेंगे, लेकिन आरोप से और ताने से कुछ बाहर नहीं आएगा क्योंकि इंक्वायरी होती नहीं है, सब मिलजुल कर खा रहे हैं। जब ये सत्ता में होते वो खा रहे थे, अब वो अपोजिशन में तो उनका आरोप कर रहे हैं। हेमंत कांबले साहब, मेरी क्रिसमस टू यू, क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर द कमिंग ईयर एंड फॉर द कमिंग इलेक्शंस। वंडरफुल, कीप अप द गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच। और रोड के जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अच्छा हो गया आपने बदल 3 से 4 करोड़, और आदित्य ठाकरे जी 10 करोड़ मांग रहा था, चार्ज कर रहा था, और ये सरकार 15 करोड़ चार्ज कर रहा है। ये पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के लोग जाने तो सही कि क्या चल रहा है। राइट, थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। होप वी विल मीट राजीव जी, प्रदीप जी इन 2024। होप सो, वी आर वेटिंग फॉर यू सर, प्लीज डू कम, इट विल बी अ, थैंक यू वेरी मच, इट विल बी अ रियल प्लेजर टू वेलकम यू एट द ऑफिस। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। अरे इज वेरी, ही गिव्स वेरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन रोड का खर्चा कितना है, 6,800 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, एंड एज ही सेज बिकॉज़ ही हैज डन अ डीप स्टडी ऑन द रोड्स, बट द पॉइंट इज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द सीएजी हैज आल्सो पॉइंटेड आउट अबाउट द द्वारका प्रोजेक्ट, पॉइंटेड इट आउट कि यार ये तो 18 करोड़ की सड़क थी, 250 करोड़ कैसे चले गई, तो लिहाजा उसमें कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। क्या जवाब है उसका, कोई उसका रोड का प्रोजेक्ट के कोई पैरामीटर्स बदल गए, कुछ बदल गए, और अगर पैरामीटर्स बदले तो सीएजी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, इन्फॉर्म करना चाहिए था। खैर जो भी है, बट व्हाट आई फील टू रियली एंड ट्रूली सैड अबाउट प्रदीप जी,